लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पटना में गली गली भरा पानी, घर से निकलना मुश्किल। सावन शुरू होते ही शनिवार को इंद्रदेव मेहरबान हो गए। पूरे दिन हुई झमाझम बारिश से शहर पानी पानी हो गया। कई इलाके में जल जमाव होने से सड़कें झील में तब्दील हो गईं। गलियों व मोहल्लों में घुटने भर पानी जमा। सावन शुरू होते ही शनिवार को इंद्रदेव मेहरबान हो गए। पूरे दिन हुई झमाझम बारिश से शहर पानी पानी हो गया। कई इलाके में जल जमाव होने से सड़कें झील में तब्दील हो गईं। गलियों व मोहल्लों में घुटने भर पानी जमा होने से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। इन इलाकों में जल जमाव बारिश के चलते फ्रेजर रोड, एक जी भीषण रोड, एसपी वर्मा रोड, अशोक राजपथ, कंकड़बाग के कुछ सड़कों पर पानी जमा हो गया। स्टेशन रोड गोलंबर के चारों ओर पानी जमा होने से पैदल यात्रियों को काफी परेशानी हुई। भारी जल जमाव के चलते जीपीओ गोलंबर से आर ब्लॉक जाने वाली सड़क पर छोटी कार के सीट के पास तक पानी घुस गया। इस दौरान पानी में फंसी एक गाड़ी बंद हो गई। लोगों ने धक्का देकर गाड़ी को किनारे किया। देर शाम तक यहां के जमे पानी में कोई कमी नहीं दिखी। एनसीसी हिमाचल के शास्त्री नगर नाला के आसपास, एजी कॉलोनी और विद्युत बोर्ड कॉलोनी में भी जल जमाव देखा गया। गर्दनी बाग के मछली गली, सरिस्ता बाग, जवाहर नगर, सिपारा आदि मोहल्ले में कई घरों में पानी घुस गया। रामलखन पथ की दुकानों में घुसा पानी। बारिश से कंकड़बाग की मुख्य सड़कों पर जल जमाव का असर ज्यादा नहीं रहा, लेकिन मोहल्ले के लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। अशोक नगर रोड नंबर 3, रामलखन पथ, संजय नगर कॉलोनी, बिग्रहपुर, आरएमएस कॉलोनी, केंद्रीय विद्यालय के पीछे भारतीय जीवन बीमा निगम का कॉलोनी में, काली मंदिर रोड, पीसी कॉलोनी में घुटने तक पानी जमा हो गया। रामलखन पथ में कई दुकानों में बारिश का पानी जमा हो गया। ट्रांसपोर्ट नगर के कई घरों में पानी घुस गया। करबिघैया पुल के नीचे सड़क के दोनों ओर, मीठापुर बस स्टैंड के पास, जकनपुर थाने से निफ की ओर आने वाली सड़क पर भी घुटने तक पानी जमा हो गया। पहले से ही जल जमाव झेल रहे खास महल में अब लोगों के घरों में भी पानी भरने लगा है। इससे लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बांकीपुर अंचल के कई मोहल्ले में जमा पानी। बांकीपुर अंचल में अशोक राजपथ पर पीर बहोर थाने से लेकर पीएमसीएच तक बारिश का पानी जमा हो गया। ठाकुरबाड़ी रोड, खजांची रोड और रमना रोड, लंगरा टोली, सैदपुर रोड, मखनिया कुआं, चाइन टोला आदि मोहल्ले में भी हल्का जल जमाव रहा। लंगरा टोली, बुद्ध मूर्ति के पास भी जगह जगह घुटने तक पानी जमा था। लोहानी पुल, जगत नारायण रोड की गलियों में जमे पानी के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। मुसलहपुर हाट और बाजार समिति का बुरा हाल। मुसलहपुर हाट, बाजार समिति और रामपुर नहर रोड के आसपास के मोहल्ले की स्थिति भी जल जमाव से काफी खराब हो गई है। दो दिन पहले हुई बारिश का पानी अभी निकला नहीं था कि शनिवार की बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी। अब मोहल्ले में घुटने भर से ज्यादा पानी जमा हो गया है। आसपास के नाला जाम होने से पानी नहीं निकल रहा है। खुले सीवर से बड़ी मुश्किलें। कंकड़बाग के गांधीनगर कॉलोनी से बुद्धा डेंटल कॉलेज की ओर जाने वाली सड़क गली में खुले और ध्वस्त सीवर ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इन संपर्क गलियों में कई सीवर, मैनहोल ध्वस्त और खुले हैं। पानी जमा होने के कारण लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। दोपहर में एक रिक्शा पलट गया। ऐसे कई सीवर, मैनहोल शहर के अलग अलग हिस्से में हैं जो कभी भी बड़ी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। नाला उड़ाही की खुली पॉल भी आरजेपी के मुख्य अभियंता अरविंद कुमार ने कहा कि जल निकासी के लिए बीआरजेपी के सब हाउस पूरी तरह तैयार हैं। योगीपुर, सैदपुर, पहाड़ी के सभी पंप उच्च क्षमता के हैं। 100 से 150 मिमी तक का पानी होने के बाद भी अगर सम्प हाउसों में पानी तेजी से आए तो 4 से 5 घंटे में सड़कों से पानी निकल सकता है। उन्होंने कहा कि बारिश के बावजूद सम्प हाउसों में पानी तेजी से नहीं पहुंच रहा है। कंकड़बाग और बांकीपुर अंचल के लोग भी निगम द्वारा नाला उड़ाही में कोताही बरतने का आरोप लगा रहे हैं।